यह चंबल का घना बीहड़ है अब ऐसे में जब जब जहां जंगल में आदमी घुस जाता होगा तो पुलिस चाहे कितनी मेहनत करे उसको पकड़ना नामुमकिन ही है एक तरह से और जो लोग इन तमाम जो झुरमुट होते हैं ये जो जंगल होता है उसमें रहने के आदि हो जाते हैं तो वो अपने रास्ते इतने सुरक्षित इतने अच्छे ठिकाने बना लेते हैं कि फिर पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है चंबल में लंबे समय तक जिन्होंने एक जीवन अपना बिताया है ऐसी रेणु यादव हमारे साथ हैं और आज हम उसी बीहड़ के एक विशेष जगह पर उनको लेकर आए हैं इस जगह में उन्होंने बताया कि कई बार जब पुलिस रेड़ पड़ती थी तो वो इसी तरह से इन्हीं उसमें अंदर चली जाती थी और पुलिस को पता नहीं चलता था तो आज इसी लोकेशन पर हम उनको लेकर आए हैं और आप सब लगातार हमसे जो सवाल करते रहते हैं उनके जवाब भी आज हम उनसे लेंगे तो हमारे साथ हैं रेणु यादव जी आपका बहुत बहुत नमस्कार एक दर्शक ने हमसे ये सवाल किया था कि जो रेनू जी हैं उनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना है तो हमने उसका जवाब दिया कि क्या जानना है तो उसने एक बड़ा अजीब सा सवाल किया है और वो जो सवाल है वो रेनू जी से मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि उसका जवाब जो है बहुत मतलब सही दिया जाए जो सच है वही दिया जाए उस दर्शक का नीचे कमेंट में प्रश्न ये था कि जो डकैत लोग होते थे जो बागी लोग या तथाकथित डकैत जो भी उनका नाम होता था ये ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियों को क्यों ही अपहृत करते थे ये ज़्यादातर जैसे आपका ही जब किडनेप हुआ था तो आप 12 साल की थी और भी तमाम सारे एक एक डाकू निर्भय गुर्जर थे यहाँ पे उनके वो तमाम सारे राजेश बादल जी ने आज तक के लिए कुछ शूट किए थे तो उसमें देखा कि वो खेतों में छोटी छोटी दस दस बारह बारह साल की लड़कियां उनके इर्द गिर्द हैं तो क्या कोई मतलब डाकुओं की ये मान्यता होती है कि छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियों को किडनेप किया जाए या मतलब क्या कारण होता है जो आपको पता हो वो बताइए मुझे जब हम शुरू में जंगल गए हम्म तो मतलब और डकैत मिले रजन गुर्जर मिले शलीम मिले तो उन्होंने पूछा मुझसे मालिक से पूछा मालिक मतलब जो आप जिनका, आप जिनका जिन्होंने आपको किडनैप किया जी, था हाँ। मालिक से पूछा कि यार तुम तो बहुत अच्छा माल लेके आए हो तो उन्होंने कहा हाँ यार भाई चलो चलो मिलाते हैं तो वो लोग वो दब देखने आए लवली और क्या नाम रजन दोनों लोग लवली पांडे थे वो देखने आई उन्होंने कहा लड़की तो है ही नहीं यहाँ तो लड़का खड़े है अरे फिर मेरा हाथ पकड़ा और बताया कि ये लड़की है तो अरे तेरा वाला हो जाए इसकी तो कुछ उम्र भी नहीं है नहीं। सलीम से मिले जाके तो सलीम के यहाँ एक तो माँ बेटी थी एक तो उठी नाम की औरत थी उसकी एक मतलब बेटी थी वही और Uh, मतलब वो लड़कियाँ कम उम्र में आई हो या मुझे तो खूब मैसी समझ में आ रही थी और निर्भय गुर्जर भी थे उनके पास तो दो लड़कियाँ थीं वो भी सरला जाठव uh, और एक और कोई वो को, नीलम करके कर कोई नीलम करके कोई तो वो भी कम उम्र की थी तो मतलब uh, uh, वो लोग कहते थे कि यार बहुत अच्छा माल लेके आई हो uh, तो वो आपस में बात करते हैं uh, कि यार uh, माल तो गया है लेकिन उसमें भी कुछ राज होता है मतलब वो कहते हैं कि वो सब चीजें कुआरी लड़की के साथ में जो मतलब क्रिया होता है वो सब अलग तरीके से अच्छा, क्योंकि हाँ कहते हैं कि वो नई लड़की है और इस तरीके से यार बड़ा आनंद आया तो ये सब तो ये, ये सब भी डकैतों की मतलब तो कुल मिला के डकैतों की दुनिया भी कहीं ना कहीं बागियों की दुनिया में भी ये सब अयाशी वगैरह ये सब होता है हर किसी से थोड़ी करते हैं अच्छा नहीं मतला... मतलब जिसको अपना उन्होंने कहीं किसी को चुना या कहीं कैसे कहीं पार्टी या फंक्शन हुआ कहीं देखा तो वो चुनाव कर लेते हैं सिर्फ एक ही के साथ करते हैं दस के साथ उनका ये सब काम नहीं रहता तो ऐसे तो तमाम है जो दस जैसे आप सलीम का उदाहरण दे रहे हैं जी तो, हाँ, उनके तो तो स... अब हम उनकी बात कहें तो उनकी तो बात जितनी भी हम कहें वो भी कम है क्योंकि अच्छा। एक महीने तक लगभग उनके हम साथ में रहे उनके साथ में सात तो महिलाएं थी तो अब उस समय मेरी कम उम्र थी और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था तो वो सब मतलब अपनी अपनी बात किया करें तो मालिक ने मुझे एक दिन बताया कि रहनू हम भी साथ कर ले क्या तो हमने की कैसे कि दबाएगी एक मेरा जूड़ा लगाएगी और एक मुझे क्रीम लगाएगी और एक मतलब पूरे हर एक मालिश करेगी ये सब सलीम का ऐसा ही होता था कोई जूड़ा बांध रहा तो कोई एक पैर में मालिश कर रहा कोई दूसरे में कर रहा तो कोई पीठ मल रहा उसकी तो सातों महिलाएं और बड़े वो सलाह में कैसी रहती थी अब ये तो हम पूरी तरीके से जान ही नहीं पाए क्योंकि वो सब बड़ी बड़ी उम्र की थी हमसे तो मतलब और जिसको बोलना है वो अपनी तरफ से लेडीज बोल जाए लेकिन वो बंदा नहीं बोलता था उसे कहना उसका कहने का मतलब है कि मतलब जिसको भी जो करना है वो आ जाओ मेरे पास अच्छा हाँ तो बड़े हाँ। नियम के पक्के होते थे हमें कुछ नहीं करना है हाँ। और और शाम को उसको गांव जाना है घूमने मतलब घूम घाम के आके और फिर सब लग जाना तो मालिक ने कहा तो हमने कहा यार ये तो सही रहेगा साथ होंगे तो हमने भी बड़ा आनंद होगा सब लोग बोलेंगे बताएंगे हसेंगे मालिक बोले बताओ कर ले नहीं कर लो और बढ़िया और सही रहेगा तो फिर मालिक ने मुझे विस्तार में बताया रहनू तुम इस चीज को नहीं जानती हो मैं बता रहा हूँ वो आधार एक उसमें गाया करता था आधार जी मतलब हाँ गाते थे तो वो कहते थे कि सौत चून की बुरी है तो उसी चीज पे लेके के फिर वो दुनिया की बातें मुझे बताते रहे तो हमने कहा हमें तो इससे कोई वो मतलब नहीं है तुम्हें तो जो करना है वो अपना मतलब तो बहुत ही अभूत थी आप इसका मतलब कुछ पता ही नहीं होता था भाई घर में क्या घर में पढ़ाई लिखाई और भैंसे हमारे घर पे काफी थी आठ नौ भैंसे तो मतलब उनको सानी वानी धोनी धोनी मुझे सबसे ज्यादा मतलब शौक था दूध खाने का मुझे बचपन से ही शौक रहा तो धोनी तो मैंने सात साल की उम्र से ही सीख ली थी तो घर में कोई ना कहीं रिश्तेदारी हम कभी बस नहीं देखी मैंने कि बस पे कैसे बैठा जाता है अब तो इतनी दुनिया घूम ली मैंने अच्छा पहले जब अपहरण हुआ था उससे पहले कहीं नहीं गए थे हम अच्छा हाँ जब से फिर मैं जेल से निकले तो फिर हम बॉम्बे फ्लैट से हो आए कैसे बैठा जाता कैसे दुनिया है बॉम्बे हम तीन चार बार होके आए तो मुझे दुनिया फिर बहुत मुझे अच्छी दुनिया लगी हमने बहुत जगह फिर घूमा जयपुर और कहाँ कहाँ हम नहीं घूम के आए राट महोबा जहाँ पे मतलब वो उसको क्या कहते हैं बहुत सी हम जगह घूम के आए हैं याद नहीं आ रही है मुझे तो धार्मिक जगहों पे अच्छा अब दुनिया आपको सुंदर लगने लगे आप बहुत अच्छी लगती है अच्छा अच्छा एक दर्शक ने यह भी सवाल पूछा था कि जो जो आपके चंदन यादव जो थे आपके पति उनसे जो बेटी पैदा हुई थी उसका कुछ विवाद भी हो गया था कुछ कुछ मतलब वो लड़की आप ही के पास पास रह रही है जी मेरे तो, हाँ, हाँ ऐसा हुआ हाँ, कि मतलब हाँ, मेरी बेटी हाँ, और हम जब जेल से निकले हाँ, तो हम अखिलेश भैया ने मुझे हाँ, गनर दो दिए हाँ, हम कानपुर किराए पे कमरा लेकर के रहने हाँ, लगे गांव में काफी मतलब वहाँ क्षेत्र में काफी दुश्मनी थी तो मम्मी पापा ने वही सेलेक्ट कर दिया मुझे और एक मेरा भाई साथ में रहता था तो एक कानपुर देहात का एक बंदा मुझे मिला उसने कहा कि हम तुम्हारी बेटा मदद करेंगे तो मदद के चक्कर में उसने अपना मेरी बेटी का एडमिशन करा दिया और कोई आ, सर्विस करता होगा किसी में फौज ओज में मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है तो उसने अपना नाम और अपनी पत्नी का नाम लिखा दिया बेटी मेरी तो हमने की चाचा जब क्या नाम मेरी बिटिया को एडमिशन भैया वो अपना सब नाम वाम लिखवा के और हुआ ऐसा अच्छा आपको ये बात पता चली कि उसका नाम लिखा नहीं मुझे तब नहीं पता चली अच्छा मुझे तो अभी पता लगा है जब उसने मेरे पे केस लगाया अच्छा केस... मुझे जानकारी हुई कि उसने अपना नाम पढ़वाया था अच्छा हाँ अब वो कह रहा है कि वो महिमा मेरी बेटी है ये फलाना तब मुझे एकदम ऐसा लगा हमने कि ए, मेरी बिटिया ये कह रहा है मेरी बिटिया उसकी पत्नी से भी बयान लिए गए उसने कहा कि नहीं मेरी तो कोई बेटी नहीं है तो ये सब चीजें हैं ये लोग अच्छे नहीं है उसने ये सोचा था कि इसको हम फ्रंट पे करके ये जेल से निकली इसको कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं ज्यादा ज्ञान भी नहीं है और ये ऐसी होगी तो इसको हम अपने अंडर में करके आगे उतेल के और पूरा जितने जगह कब्जे की या वैसा कुछ है तो सब मतलब डील करके और इसको पूरा अपने अंडर में रखेंगे और वो दुनिया के कहे कह के कहें अगर तुम तो मेरे अंडर में नहीं रहोगी तो तुम्हें हम मरवा देंगे अगर और कहीं शादी कर ली तो तुम्हें हम मरवा देंगे कुछ तो कुछ लोग तो ये कहते हैं उसने मतलब शादी का प्रस्ताव रखा था आपके हाँ यही तो कहता था अच्छा शादी अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हम दुनिया पे रहने नहीं देंगे समझो दो बार वो पच्चीस बिंदुओं की कहीं कोच कहीं कोच, मतलब झूठी लिखा पड़ी इतनी करता है कहीं कहता है मेरी डकैती डाल ली मेरी बेटी का अपहरण कर लिया और मुझे कोई पता नहीं भाई जब हम जेल से निकले और वो असल में ऐसा था कि हमें तो पता नहीं चरस में बंद हुआ कि अफीम में बंद हुआ कि किस में बंद हुआ तो वो जेल में चला गया और जेल में चला गया और फिर इसके बाद में वो यही कहने लगा कि सपा के लोगों ने उसको बढ़ावा दिया सपा के लोग उसको ले गए उसको मतलब मेरे पे ये लगवाया और मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी अब वो यही कहता था कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो तुम्हें दुनिया पे ज़िंदा मुर्दा रहने ही नहीं देंगे वो चैलेंज मुझसे पहले ही करता था तो फिर बहुत सी बार मतलब अब हम जाए तो जाए कहाँ एक तो दुनिया का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं जेल से निकले तो हमने लोगों से पूछा हमने कई लोगों से और एक पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे भले व्यक्ति थे अंकल तो उनसे मैंने पूछा हमने किसी तरीके से बोले कि हाँ लोग शोस तो करते जो होशियार लोग होते पड़े अब तो क्या पता तो हमने की अंकल जी अब हम इस यहाँ पे रहेंगे नहीं अपने गांव चले जाएंगे फिर हम उसके बाद में अपने गांव चले जाएंगे और वो कहता है कि इसने मुझे वो जेल भिजवाया और पुलिस से मिली है ये करवाया दुनिया का तो ये सब चीज़ें दुनिया की और मुझे पता है कि दो बार लिख करके भेज चुका है अभी कमिश्नर साहब के सामने पेश हुआ होगा गिड़गड़ाया होगा और फिर दै मुकदमा दुनिया के मुकदमे मेरे पास भेज रहा है लिख लिख के अच्छा तो अब अब भी कोई विवाद चल रहा है कि अब शांति है अब कोई विवाद नहीं चल रहा है अब तो मतलब सच्चाई जो होगी उसी पे तो जब हम लूट कर रहे थे वो कह रहा है कि लूट कर रही मेरी पत्नी फलानी थी और जेवर उसका जब हम लूट कर रहे थे उस मोहल्ले में कोई था ही नहीं या वहाँ पे थाने चौकी कोई पुलिस थी नहीं जो हम मतलब बागी जीवन से आए जेल गए और जेल से आके फिर हम अपना समाज की एक मुख्य धारा से जीवन जीना चाह रहे हैं और फिर भी मतलब वो कह रहा है कि लूट कर रही तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि समाज में अगर ये मेरी नहीं तो सारी के जेल भिजवाओ मरवाओ यही सब करो तो कुल मिलाकर चैन अभी भी नहीं है आपको पूरी तो तरह जीने नहीं देते हैं अच्छा। ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं है कुछ एक लोग हां कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मतलब आए दिन कहीं मुकदमा कहीं किसी से खबर भेजना कि उससे कह देना जाके कि अगर इतना पैसा नहीं दिया तो फलाना करेंगे तो हम अब पूरी तरीके से अब तो बच्चे भी हैं मेरे पास में हम पूरी तरीके से अब तो हमें काफ़ी ज्ञान भी हो गया समाज का क्योंकि समाज में अच्छे भी लोग मिलते हैं है ना और बुरे भी मिलते तो अच्छे अच्छे लोगों का मेरे पास थोड़ा ज्ञान भी है तो अब हम किसी से डरते नहीं है अब तो पुलिस प्रशासन बस पुलिस प्रशासन का हम सहारा लेते हैं चलिए ये थी रेनू यादव और रेणु यादव जी ने बहुत सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और आप जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं हम कोशिश करते हैं उन तमाम सारे सवालों का जवाब रेनू जी से लिया जाए आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद नमस्कार